नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दोस्तों, आज की एक खबर जो है वो दो अलग अलग खबरों पर आधारित है। एक खबर है मुंबई के मालाड़ में लिफ्ट में फंसने से एक महिला शिक्षक की मौत की, तो वहीं दूसरी खबर है मुंबई के ही मानखुर्द में पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में पकड़े जाने गए नकली नोट की। तो दोस्तों, अब विस्तार से बताओ तो घटना मालाड़ की जो स्कूल की घटना है, उस घटना में शुक्रवार को एक घटना घटी। उस घटना में एक 26 वर्षीय महिला शिक्षिका की मौत हो गई। दरअसल मालाड़ पश्चिम के चिंचोली फाटक पर स्थित सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल की यह घटना है, जहां पर अभी हाल ही में मृतका जेनले फर्नांडिस जून 2022 में ही हाल ही में सहायक शिक्षिका के पद पर लगी थी। वो शुक्रवार को दोपहर को करीब 1 बजे स्कूल की छठी इमारत से दूसरी इमारत पर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर घुसी, तब लिफ्ट में पूरी तरह से अंदर जाने के पहले ही जैसा पांव रखा वो लिफ्ट चल पड़ी, तो लिफ्ट के साथ घसीटती चली गई और इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गई। ये घटना जब स्कूल के दूसरे स्टाफ ने देखी, उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लिफ्ट नीचे जा चुकी थी और उसमें ये बुरी तरह से घायल हो गए। तत्काल इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस आए, रेस्क्यू हुआ, शुरू हुआ, उनको मालाड़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में मालाड़ पुलिस ने एक ADR मामला दर्ज किया हुआ है और मालाड़ पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि क्या यह कोई लापरवाही का मामला है या एक दुर्घटना है, तो इन चीजों की जांच कर रही है। आगे वीडियो में मालाड़ पुलिस के सीनियर अधिकारी है, उनका भी बयान आप सुनेंगे। इसके बाद घटना मानखुर्द की जो दूसरी घटना है, मानखुर्द में नकली नोट, फर्जी नोट बनाने वालों के एक गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से करीब 7 लाख रुपए के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। आप तस्वीर में, वीडियो में देख सकते हैं, इनके पास नकली नोट छापने के लिए डाई और जो जो इस्तेमाल किया, जो जो इस्तेमाल में लाया गया सामान है वो भी पुलिस ने जब्त किया है। शाही है, डाई है, जो भी इसमें लगता था। और पुलिस को कहीं ना कहीं मानखुर्द पुलिस को ये सूचना मिली थी कि नकली नोट के कारोबार यहां पर बेधड़ल्ले से चालू है, तो उसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मानखुर्द पुलिस ने रेड मारी और इस रेड में उनको कामयाबी मिली, जिसमें नकली नोट छापने वाले आरोपी के साथ में 7 लाख के नकली नोट भी बरामद हुए। देखिए इस मामले में भी आगे इस मामले के जांचकर्ता जो अधिकारी है उनके का कुछ कहना है, आगे वीडियो में देखिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। टीचर की डेथ की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? मालाड़ पुलिस स्टेशन के एक सेंट मेरी स्कूल है, वहाँ की एक शिक्षिका थी, तो कल दोपहर को 1:45 के दरमियान 6वें माले से दूसरे माले पे क्लास के लिए जाते समय वो लिफ्ट फंस के वो जख्मी हो गए थे। उनको इमीडिएटली पुलिस ने हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। इसके बारे में हमने ADR रजिस्टर किया हुआ है और आगे की तहकीकात चल रही है। प्राथमिक जांच में क्या पता चला, किसकी लापरवाही की वजह से? वो हम पूरा अभी देख रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें CCTV वगैरह सब हम चेक कर रहे हैं, लिफ्ट भी चेक कर रहे हैं, उसमें जो भी कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो दिख रहा है प्राइमर फेस, लेकिन आगे की तहकीकात चल रही है। मानखुर्द पुलिस चौक के अधिकारियों को खबर मिली थी कि ज्योतिर्लिंग नगर मानखुर्द डुक्कर गली के यहाँ पे इस परिसर में कोई तो बनावट नोटा बना का काम कर रहा है। जगह पता नहीं थी, कंफर्म तो मालूम नहीं था, तो उसके ऊपर पूरा वर्कआउट चालू था। जब वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद, जब हमको कंफर्म मालूम होने के बाद, कल रात को देर में हमने उसके ऊपर छापा कार्रवाई की। छापा कार्रवाई जगह एक 1+1 के ऊपर के घर में एक आदमी वहाँ पे 500 150 के 100 के और 200 के प्रिंटर, लैपटॉप, स्क्रीनिंग का साहित्य, उसके मदद से वो नोटा बना के उसने कुछ तैयार किए थे और कुछ कर रहा था। जैसे रंगियात मिल गया, उसको उठा के चौकी में लाया गया। चौकी में लाने के बाद सब उसकी छानबीन और तपस्नी हो गई। उसमें जो जो नोटा उन्होंने बनाए हुए थे वो पूरे थे 7,16,150 के।
बाकी के तीन उसने कुछ पेपर पे प्रिंट आउट निकाले थे, उसको अभी उसको रॉ मटेरियल था, उसको नोटा वो बनाने वाला था, वो भी कुछ ताबे में लिए। बाकी सब ताबे में लेने के बाद हमने तुरंत उसके ऊपर हमारे तरफ से FIR दर्ज किया 489 करके, और उसके साथ सहकर्मी में और भी है उसको अरेस्ट किया गया। एक काम करते करते या तो लंबा काम का प्रोसेस था, इसके लिए अभी वो रिमांड को भेजा गया, रिमांड जो भेजना जरूरी था। रिमांड आने के बाद उसने कहाँ से इसी में मदद कौन करता है, कहाँ पे भेजता है, कैसे वो वितरित करता है, इसका कहाँ इस्तेमाल करता है, इसके आगे जाके जानकारी हम लोग निकाल लेंगे। सर ये बताइए कि जो ये कब से ये कर रहे थे, कुछ बताया आरोपी? आरोपी के पूछताछ में अभी तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उसका ऐसा कहना है कि 1.5-2 महीने पहले इसने यहाँ पे मकान भाड़े से लिया था। अभी उसका कहना है, वो तो अभी अपन ने ऊपरी ऊपर मालूम लिए, लेकिन जब रिमांड के आने के बाद मालिक को बुलाने के बाद जो भी प्रोसेस में होगा कब से है कब नहीं वो सब हो जाएगा। उसपे और भी कुछ इस तरह के मामले दर्ज नहीं? अभी तो कुछ मालूमत नहीं मिले, फिर भी हमारा चपासी चलोगी इसके ऊपर, इसके अलावा और कोई गुनाह है ये भी और इसे छोड़ के और भी। कितने लोग शामिल थे इसमें? फिलहाल तो उससे एक ही का है, वो एक ही मेन मास्टरमाइंड करने वाला। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।